नेता, ये तो बहुत बड़े नेता हैं। ये रघुराज सिंह साक मुलायम सिंह का एक शिष्य भी है। मुलायम सिंह बड़े नेता थे, मुलायम सिंह का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने पता नहीं आज समाजवादी पार्टी को मजबूत किया था, नेताजी किस तरह किया था, माननीय शिवपाल सिंह ने किस तरह मजबूत कर लिया था आप सब जानते हैं, बुलंदियों पहुँचाने का काम किया था। अब जो बताइए, जो पुत्र अपने पिता का अपमान कर सकता है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब विरासत की बात कर रहे हैं तो विरासत तो अखिलेश जी को मिलनी थी, फिर तो बीच में हटा दिया, का विश्वास नहीं था भाई उन्हें, विरासत तो उनको मिलनी थी, फिर को बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष पता। उसके बाद आपने देखा नेताजी हटाने के बाद नेताजी ठीक नहीं रहे, मन विचलित हुआ। जो इतना बड़ा नेता जिसने इतना से बड़ा साम्राज्य स्थापित करने का, गरीब दबे कुचलों को बढ़ाने का काम किया था, उन्हें खत्म करने का, तो बड़ों कभी बुजुर्गों का जो अपमान करता वो कभी नहीं बढ़ सकता, मैं तो इतना जानता हूँ। आप इसे विरासत की सीट अपने लिए मान रहे हैं या विरोधी के लिए मान रहे हैं? मैंने काम में तो शिष्य हूँ। चौधरी चरण सिंह, माननीय मुलायम सिंह यादव जी चौधरी चरण सिंह के एक शिष्य थे, अजीत सिंह उनके बेटे थे। विरासत उनको नहीं मिली, माननीय मुलायम सिंह को मिली थी। मिली कि नहीं मिली थी, सामने उदाहरण है। जो जनता के बीच में रहेगा, जनता उसको अपना विरासत देने का काम करेगी। हम तो जनता, इटावा के इतिहास आप जानते थे, इटावा की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। हमें दो दो बार लोकसभा में पहुँचने का काम किया, 84,000, 2,00,000। दोबारा इटावा को एक इतिहास रहा कि इतिहास रिपीट ही नहीं हुआ, हुआ कभी था बताओ? कल में कोई रिपीट नहीं हुआ, आपने देखा इटावा में कभी रिपीट ही नहीं। देखे आप ही लोग पूछते थे, अगर सांसद जी इटावा का इतिहास रहा कोई रिपीट नहीं हुआ, इटावा की जनता ने मुझे 2,00,000 से जिता के भेज दिया दिल्ली, नहीं पहुँचा है, फिर उसको कोई रिपीट नहीं हुआ। तो मैंने कहा नहीं, वो इतिहास मैनपुरी में बदलने जा रहा है, मैनपुरी की जनता रघुराज सिंह नहीं बदलने जा रहा है, मैनपुरी की जनता बदलेगी एक सेवक को अपने बीच में जिताने का काम करेगी, या जिनके दरवाजे 2-3 घंटे खड़े रहो। ये चुनाव इस बात का नहीं बनता, हमेशा यही चाहती कि जनप्रतिनिधि हमारे बीच में रहे। अब ये महाराजा राज अब खत्म हो गया, अब जनता के बीच में जो रहेगा वो चुनाव जीतने का काम करेगा। जसवंत नगर विधानसभा 3,90,000 के करीब वोटर है, शिवपाल सिंह की अच्छी पकड़ है, वहाँ पे मौन बने हुए हैं, क्या लगता है आपकी मौन किस तरफ संदेश आ रहा है? देखिए वो बड़े नेता हैं, अब ये क्वेश्चन तो उनसे पूछना चाहिए, उनका जितना अपमान हो सकता मैं समझता हूँ। इतने बड़े नेता अगर वही चाहते तो उनका अपमान करते, नेताजी के बाद उनका अपमान करने का काम किया। हम भी उनके, हम तो उनके शिष्य बताए नहीं, कौन गुरु नहीं चाहता का अपना शिष्य आगे बढ़े, सारे कोई चाहता। उन्होंने यही कहा कि जो पुराने गिले शिकवे थे वो समाप्त हैं, कुछ नहीं, नए हिसाब से अपना डिंपल जी को सपोर्ट कर रहे हैं और लाखों वोट से हम डिंपल को जिताएंगे। यही बड़े नेता जी से मुलायम सिंह जी की सबकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनको अच्छे वोटों से जिताना है, सब परिवार एक है, हम सब लोग एक हैं और पार्टी के लिए आप लग गए, चुनाव में लगे हुए हैं ना। शिवपाल सिंह के सबसे करीबी माने जाने वाले रघुराज सिंह साक के बीजेपी से वहाँ लड़ रहे हैं, कोई करीबी नहीं है, केवल मतलब फरोख्त हैं। रघुराज सिंह जी हैं मतलब फरोख्त हैं, उनका जब तक काम बना तब तक बना है, उसके बाद उतना उन्होंने पहले तो क्या नाम हमारी समाजवादी पार्टी तो छोड़ ही दी, कहीं गए अब बीजेपी में गए, उनको तो लड्डू खाने हैं, जहाँ मिल जाए वह लड्डू खाएंगे, उनको इससे मतलब नहीं है कौन गुरु कौन चेला, उनसे कोई मतलब नहीं, वे अपना काम बनाने के लिए हैं। और डिंपल भारी वोटों से जीतेंगी, कम से कम 1,00,000 से लीड लेके चुनाव जीतेंगी यहाँ से, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम सब लोग इकट्ठा हैं, जितने कार्यकर्ता हैं हम लोग निकल पड़े हैं, सब जा रहे हैं, वोटरों से बात कर रहे हैं, अपनी वोटों की संख्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई शिकायत नहीं। सैफई परिवार एक है, हम सब कार्यकर्ता एक हैं, सब अपनी बात में लगे हुए हैं।